नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शैलजा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल हम सबके सामने आ गए हैं और ये सबको पता चल गया है कि एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता में आ गई है। लेकिन जो सबसे मजेदार बात रही वो ये है कि जो न्यूज चैनल्स दो दिन पहले चीख चीख कर महागठबंधन को जीतता हुआ बता रहे थे, उनके चेहरे पर अब मायूसी जरूर रही होगी। चुनाव खत्म होने के बाद ये सभी टीवी चैनल्स ने महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिलते हुए दिखाया था। आलम तो ये था कि महागठबंधन के कई नेता इस एग्जिट पोल को देखकर इतना खुश हुए थे कि उन्होंने ये मान लिया था कि तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और शहर में जगह जगह पर पोस्टर भी लगवा दिए थे। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव ने तो बकायदा ट्वीट करके उन्हें मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया था। सूत्रों के हवाले से खबरें भी आई थी कि कई मीडिया हाउस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बताकर खूब प्रोग्राम दिखाया और तेजस्वी को अभिमन्यु तक बता दिया था। लेकिन कल रिजल्ट आने के बाद इनके एग्जिट पोल कितने गलत साबित हुए ये हम सबके सामने है। हमने आपको हाल ही में अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक एग्जिट पोल जारी किया था जिसमें साफ साफ कहा गया था कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। हमारे चैनल ने भी यही कहा था कि एनडीए को ही जीत मिलेगी और यही हुआ। सर्वे के अनुसार एनडीए को कुल 44.95% मिलते हुए दिखाया गया था, जिसमें 129 सीट एनडीए के खाते में दिखाई गई थी और महागठबंधन को 106 सीटें बताया गया था, जबकि उसे 38.4% मत मिलने की संभावना जताई गई थी और हमारा ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ। तेजस्वी का नाम अलापने वाले ये मीडिया हाउसेस को शायद कल बहुत बड़ा झटका लगा होगा। हम आपको बता दें कि आज तक ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 91 सीटें और महागठबंधन को 161 सीटें जीतते हुए दिखाया था। वहीं एबीपी ने एनडीए को 128 और महागठबंधन को 131 सीटें जीतता हुआ दिखाया था। एक बात आपने कल और गौर किया होगा कि आज तक जो खुद को देश का नंबर वन चैनल बताता है और हर बार चुनाव के रिजल्ट के सामने आने के बाद यही कहता है कि हमारा एग्जिट पोल सही साबित हुआ है, कल उनके मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकली, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि इस बार उनका एग्जिट पोल कितना झूठा साबित हो गया है। खैर, एग्जिट पोल कल झूठा साबित हुआ और इसके साथ ही एक बात तो पक्की है कि जनता अब इनके एग्जिट पोल पर विश्वास करने से पहले अब 100 बार जरूर सोचेगी। क्या आपने भी इन चैनल्स के एग्जिट पोल पर भरोसा किया था? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। धन्यवाद।